सुबह हो गई, लाइट जला दो। नींबू पानी बनाती हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सापुतारा की हसीन वादियों में आप सभी का स्वागत है। लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि हमने सापुतारा को एक्सप्लोर किया था और रात को यहाँ पर आके नाइट कैंपिंग करी थी। तो आज का दिन शुरू होता है हमारी मॉर्निंग रूटीन के साथ, जो है सबसे पहले नींबू पानी। फ्रेंड्स, अभी आप देख ही रहे होंगे कि हम लोग अभी नाइट मोड में हैं और हमने प्राइवेसी के लिए चारों तरफ से अपने ब्लैकआउट कर्टन्स लगाए हुए हैं ताकि बाहर से कोई हमको देख ना सके और अंदर हमारा जो इंसुलेशन है वो भी बरकरार रहे। उठ जाओ भाई, नींबू पानी पी लो। गुड मॉर्निंग, कल बहुत देर तक पार्टी कर ली। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, थैंक यू। चाय पियोगे? थोड़ी सी बना दी, ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी। हाफ हाफ कप बनाती हूँ। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपको, फ्रेश होने के बाद बाहर। एंजॉय टी। चीयर्स। फ्रेंड्स, अभी देखो ब्लैकआउट कर्टन लगे हुए हैं, अभी इन ब्लैकआउट कर्टन निकालूंगा मैं। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। हम तो तैयार होके निकलते ना पूरा, फिर बाहर हूँ। फ्रेंड, सापुतारा की मॉर्निंग बहुत ही अमेजिंग है। अगर आप चारों तरफ का व्यू देखेंगे, सामने यू कैन सी एक फीचर दिख रहा है आपको, साथ में एक रास्ता जा रहा है। ये रास्ता जाता है सनराइज पॉइंट के लिए। उसके साथ में अगर पहाड़ों को देखते चलेंगे, साथ में एक टेबल टॉप फीचर एक और आ रहा है, उसके पीछे एक और फीचर, फिर एक और फीचर, एक और फीचर, थोड़ा हेज में छुप रहा है। यहाँ भी आपको एक और पहाड़ दिखेगा, इधर पूरा पहाड़ की लाइन चल रही है। तो सापुतारा एक अकेला गुजरात का स्टेशन है जो माउंटेन्स के बीच में बसा हुआ है। सापुतारा की सुनहरी धूप में इतने सुंदर नजारों को निहारते हुए एक फेमस कवि निदा फाजली की कविता की कुछ पंक्तियां याद आई। सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम बहल सको तो चलो। कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फिजा, कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फिजा, खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो। तो वॉशिंग टाइम। मंदिर है हमारे बगल में।
ये साईं बाबा का मंदिर है। फ्रेंड्स, अगर आपको याद होगा कि हमने दमन से निकलने से पहले अपने वाटर टैंक को फिल किया था, तो आज ऑलमोस्ट वह खत्म हो गया है। तो अभी हम जा रहे हैं वाटर फिल करने के लिए। गाइस, बहुत क्वेश्चन होते हैं कि पानी कहाँ से भरते हैं, वाटर मैनेजमेंट। तो ये साईं बाबा जी का मंदिर है, के मंदिर से हमने एक पाइप लिया है एंड वाटर इज बीइंग फिल्ड हियर। है पैसे पॉकेट में। तो अभी जरा मैं साईं बाबा मंदिर के दर्शन करके आती हूँ। तो मंदिर के दर्शन हो गए हैं साईं बाबा के। अब मैं जा रही हूँ दीपक के पास, देखने वाटर फिल हुआ है कि नहीं हुआ है। हो गया वाटर फिल? चेक करूँ इंडिकेटर में जाके? हाँ, चेक कर लो। परसेंट हुआ है अभी खाली। ऐसा कर दे, रास्ते हैं फिर भरवा लेंगे। ठीक है, चले फिर आगे। तो निकलने से पहले हमने सोचा क्यों ना इस हेलीपैड को थोड़ा नजदीक से देख लिया जाए। तो फाइनली अब हम निकल गए हैं केवड़िया के लिए, और मिस्टर साहिल और मिस्टर दीपेश की गाड़ी आगे जा रही है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। वो हमें आगे से बताएंगे किधर हमें केवड़िया के लिए किधर से मुड़ना है। चलो अब चलते हैं केवड़िया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए। ये है वो सापुतारा लेक जो हम कल आपको लेकर गए थे। तो आज केवड़िया से पहले हम बारडोली में ब्रेक लेंगे, जहाँ हमारे एक फ्रेंड वेट कर रहे हैं। सापुतारा से बारडोली लगभग 130 किलोमीटर दूर है। सापुतारा के इन हसीन रास्तों की खूबसूरती को पुराने गानों और गजलों ने और भी बढ़ा दिया। ऐसे ही गानों को गुनगुनाते हुए हम कब बारडोली पहुंच गए पता ही नहीं चला। वहां पहुंचकर मिस्टर साहिल और मिस्टर दीपेश ने हमें यहाँ का फेमस ढोकला ट्राई करने के लिए बोला। और मजे की बात तो यह है कि हम नॉर्थ इंडियंस को ढोकला और खमन का डिफरेंस ही नहीं पता है। जिसको आज तक हम ढोकला बोल के खाते थे उसको असल में खमन कहते हैं। क्या ठंड हो गई? खमन खिला देते हैं। नहीं, ये ढोकला। ये आप लोगों के लिए लेके आया? चल भाई भाई भाई, इसे तो नहीं करेंगे। पक्का पक्का पक्का, जल्दी आ दे। भाई ये चलते हैं अभी, फिर हम निकलते हैं आगे। ठीक है, चल भाई, चलो बहुत अच्छा लगा मिलकर। भाई भाई भाई, चलिए बहुत अच्छा लगा। अरे क्या बार हम बच्चों को, पेरेंट्स को, दोनों को साथ में लेके तो वो खाएंगे बहुत सारी। और सूरत में, और सूरत का मुझे ऑमलेट खाने का बोर्ड, अलग अलग वैरायटी के। अभी नहीं खाने, लेकिन आने अभी बार, नहीं, अगली बार नेक्स्ट टर्न में। सभी सही में पहचान ले, दिवेश भाई इज द पर्सन जो सूरत में सबसे ज्यादा हेल्पफुल है। इनकी वजह से ये जो हम सूरत में, ही हैड बीन फॉलोइंग अस पूरा
यहाँ तक कहाँ जा रहे, किधर जा रहे, सूरत, दमन, सापुतारा एंड नाउ अगेन केवड़िया। थैंक्स ब्रदर, थैंक्स, चल बाय बाय, थैंक यू सो मच। हम लोग ऐसा बोल रहे हैं गुजरात में, थैंक यू मतलब गाली बोल रहे हो। तो फिर क्या बोलना है आपको? आभार भाभी, आओजो भाई, आओजो जल्दी, आओजो पाछा। हाँ ठीक है, फिर से आएंगे, जल्दी आएंगे, फिर से आएंगे, विद फैमिली आएंगे पूरा। चलो थैंक यू सो मच, अपने पेरेंट्स, अपनी वाइफ, अपने बच्चों को हमारा प्यार, नमस्कार, सब कुछ ठीक है, आप लोग सब आराम से जाइए। हाँ जी, बाय बाय, टेक केयर, चलो बाय 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 बाय। फ्रेंड्स, सापुतारा से हमको मिस्टर साहिल और मिस्टर दीपेश छोड़ने आए थे, फिर रास्ते में हमको मिस्टर दिवेश भी मिले और फिर हम निकल पड़े हैं अभी केवड़िया के लिए। बारदोली से केवड़िया का टोटल डिस्टेंस लगभग 161 किलोमीटर है, जहां हमें पहुंचने में तकरीबन 3 घंटे लगेंगे। तो हमने डिसाइड किया किसी अच्छी जगह पर अर्ली लंच ब्रेक लेने का। फ्रेंड्स, आज की लंच लोकेशन हमारी ये है, मैं तैयारी करती हूँ लंच की। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा लंच है चिकन, राइस और दाल, जो कि हमारा कल रात को बच गया था। और वैसे भी हम मिडिल क्लास फैमिली में हम सभी को यही सिखाया जाता है कि खाने की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। तो जैसे हम घर में अपने फ्रिज में खाना स्टोर होकर रख लेते हैं और अगले दिन उसे खाते हैं, उसी तरह ये वैन भी हमारा घर है, तो हम भी जो भी खाना बचता है इसमें स्टोर कर लेते हैं और फिर उसको अगर नेक्स्ट मील में खा लेते हैं। पानी भी है? हाँ। ऊपर लगाते हैं? पाइप लगाते हैं। हाँ। फ्रेंड्स, हम यहाँ खाना बनाने के लिए रुके थे और लकीली हमको यहाँ पे एक टैप भी मिल गया है। दीपक अभी थोड़ा पानी भर रहे हैं, उसके बाद हम लोग अपनी पाइप लगा के गाड़ी में भी पानी भर लेंगे। तो भाई, हम लंच के बाद अपने आगे सफर के लिए निकल गए। चलते चलते हम दोनों अपने बचपन के एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे थे और इस कंक्लूजन में पहुंचे कि जो हम सारे 80s वाले किड्स हैं, इन्होंने सबने अनुभव किया होगा कि उस टाइम जब दिन में बचे हुए राइस को मम्मी शाम को जीरा प्याज वाला तड़का लगाकर सर्व करती थी, तो उसको खाने के लिए हम भाई बहन में कितनी लड़ाई होती थी। अगर आपने भी एक्सपीरियंस किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ऐसे ही बातें करते करते हम पहुंच गए केवड़िया और यह है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का फर्स्ट लुक। यहां पहुंचकर पता चला कि जनवरी से केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन हो गया है और यह प्रमुख जगहों के नाम एकता से ही शुरू होते हैं, जैसे एकता मॉल और एकता नर्सरी। शाम होते ही हमने सबसे पहले आज के नाइट हॉल्ट की लोकेशन को ढूंढना शुरू किया और हमें एकता मॉल के सामने ही एक अच्छी लोकेशन मिल गई, जिसके बारे में हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे। हे फ्रेंड, फाइनली वी हैव रीच केवड़िया। बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही अमेजिंग लाइटिंग हो रखी है यहाँ पर। और हमारी वैन पार्क है उस जगह, आपको दिख रही होगी। आप लोग ऐसे ही हमें अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें और हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें इंस्टा और FB में भी फॉलो कर सकते हैं। जल्द ही मिलते हैं कुछ नई वैन लाइफ स्टोरीज के साथ, तब तक खुश रहें और स्वस्थ रहें।